चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में सीएम बदलेगी बीजेपी, 6 महीने ही सीएम रह जाएंगे शिवराज, मध्य प्रदेश में होने वाला है बड़ा खेल। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान मुश्किल में है, घर और घर के बाहर दोनों ही जगह से उन्हें चुनौती मिल रही है। संकट सीएम पद पर मंडरा रहा है, बीजेपी के अंदर आधा दर्जन दावेदारी सीएम शिवराज सिंह चौहान की चुनौती बने हैं। ऊपर से इसी साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव में गुजरात फॉर्मूले का जिक्र बार बार किया जा रहा है। अगर बीजेपी ने पूरी तरह से गुजरात फॉर्मूला मध्य प्रदेश में अपनाया तो शिवराज सिंह चौहान पर किसी भी दिन फैसला हो सकता है, उन्हें कभी भी इस्तीफा देने को कहा जा सकता है। गुजरात में चुनाव से साल भर पहले सीएम सहित पूरी सरकार बदल दी गई थी, ऐसे में शिवराज को चिंता हो रही है। दूसरी ओर विपक्ष ने अलग शिवराज को चिंता में डाल रखा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने दावा किया कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार अब सिर्फ 6 महीने की मेहमान रह गई है, 6 महीने में चुनाव का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। कमलनाथ प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों को सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि वो सुधर जाए, सरकार के दबाव में काम नहीं करेंगे, पूरी तरह से ईमानदारी और निष्पक्षता दिखाएं, एक तरफा कार्रवाई ना करें, नहीं तो 6 महीने बाद उन्हें अपने काम का हिसाब देना पड़ सकता है। कमलनाथ पूरे विश्वास से भरे हुए हैं, दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में 2018 से भी अच्छा माहौल है। 2018 में कांग्रेस से थोड़ा चूक हो गई थी, लेकिन इस बार पार्टी किसी तरह की चूक नहीं करेगी और इसलिए चुनाव अभियान समय पर शुरू हो चुका है। कमलनाथ ने शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा, शिवराज सरकार हमेशा की तरह अभिनय और नौटंकी कर रही है, अभिनय करने वाली सरकार अब 6 महीने और चलेगी, इसके बाद विधानसभा चुनाव में तख्ता पलट हो जाएगा। वैसे कमलनाथ ने इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया है कि हार के डर से बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को चुनाव से पहले भी हटाने का फैसला कर सकती है। कमलनाथ तो शिवराज सरकार की चुनौती बने ही हैं, उन्हें सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के अंदर से ही मिल रही है। सबसे बड़ी चुनौती ज्योतिरादित्य सिंधिया बने हैं, सिंधिया पार्टी हाईकमान के काफी करीबी है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा तीनों ही सिंधिया की तारीफ करते रहते हैं। मध्य प्रदेश में जब भी इनमें से किसी नेता का दौरा होता है तो सिंधिया को बराबर सम्मान भी मिलता है। सिंधिया की ओर से भले ही सीएम पद को लेकर दावेदारी नहीं जताई जा रही हो, लेकिन हाल ही में ग्वालियर में आयोजित हुए कार्यक्रम में साफ दिखाई दे गया था कि सिंधिया की नज़र सीएम की कुर्सी पर है। लेकिन सिंधिया को भी पता है कि आज की बीजेपी मोदी शाह की बीजेपी है, ये अटल आडवाणी के दौर वाली बीजेपी नहीं है जहां पहले से ही तय हो जाता था कि सत्ता मिली तो सीएम कौन होगा। आज जो जितना बड़ा दावेदारी होता है कुर्सी की रेस में वो ही सबसे पीछे हो जाता है, और जिसे कुर्सी की रेस में माना ही नहीं जाता उसे सीधा सीएम पद मिल जाता है। इसलिए बीजेपी के अंदर कोई भी सीएम पद को लेकर खुलकर दावेदारी नहीं कर रहा है। दावेदारी करने का मतलब कि निकल जाता है कि अब उस नेता का दावा पूरी तरह से समाप्त हो गया है, और बस यही एक समीकरण शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि अगर बीजेपी उन्हें हटाती है तो उनकी जगह किसको कुर्सी पर बिठाया जाएगा। नाम तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का सबसे आगे माना जा रहा है, लेकिन लगातार चौंकाने वाले फैसले लेने के रूप में चर्चित हो चुके पीएम मोदी अगर शिवराज को सीएम पद से हटाने का फैसला लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई दूसरा चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।